नमस्कार दोस्तों, मैं लवली सिंह और आप देख रहे हैं सोखला फायर अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज आपको फॉर्म पोरस सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। आज का चैप्टर है फॉर्म पोरस सिस्टम। ये फॉर्म पोरस सिस्टम कैसे काम करता है, कहाँ पे लगाया जाता है और इसके बारे में हम सब बताएंगे। कृपया करके मेरी वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और लास्ट में ये भी हम बताए जाएंगे कि कैसे काम करता है, ये पूरा बताया जाएगा इसके कि कैसे कौन सा डेटा ट्रैक्टर होता है, कैसे ये काम करता है, कैसे डीबी से पानी आता है, टैंक में कैसे जाता है, आगे कैसे जाता है, या इसके बारे में हम पूरा डाट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जो भी मेरे चैनल पर नहीं है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक मेरी वीडियो को देखें। अब बात मुद्दे के ऊपर आते हैं कि हमारा जो जीबी के थर्मल पावर प्लांट में तीन टैंक लगाए गए हैं, दो HF हो गए, एक LDO का, तीनों के लिए तीन डीबी लगी है। ये HFO टैंक ए, LDO टैंक और जो तीसरी डीबी है वो HFO टैंक टू के लिए लगाई गई है। आज हम बात करेंगे कि मान लो हमारा एक LDO टैंक है, जो उसमें फायर होती है, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, प्रोब डिटेक्टर लगा रहता है, उसके अंदर एक प्रोब डिटेक्टर लगा रहता है। जब भी वो डिटेक्टर एक्ट होता है, वो पैनल को कमांड देता है, SOV कमांड देता है, उसके बाद पैनल को कमांड देती है, फिर उसके बाद डीवी ऑपरेट हो जाती है। मान लो LDO टैंक में कोई फायर हो गई तो क्या हुआ, प्रोब डिटेक्टर एक्ट हुआ, वो SOV को कमांड दिया, वो पैनल को कमांड दिया, उसके बाद हमारी डीवी चालू हो जाती है। जब डीवी चालू होगी तो हमारा ये डीवी का ये पूरी डीवी है, बाहर से पानी आता है, ये इनलेट से पानी आया और जहाँ से इस लाइन में गया, ये LDO का, ये दोनों HFO-1A का, HFO-2 का, ये दोनों बाल बंद रहेंगे और जिसमें वो बाल ओपन करेंगे सर, ये ओपन रहता है, ठीक है, ये बाल ओपन रहता है, ये दोनों बाल बंद रहेंगे क्योंकि LDO में फायर हुई है, तो इधर से पानी जाएगा, ये जाएगा, फिर जहाँ पे क्या है, हमारे दो ब्लैडर सिस्टम, ब्लैडर टैंक लगाए गए हैं जिसमें 500 लीटर फोम है, एक टैंक नंबर 1, टैंक नंबर 2, जहाँ पे ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं। हमको देखना कि हमको किस टैंक से फोम लेना है, जिस टैंक से फोम लेना उसका वाल्व ऑन करना, मतलब ऑन ही रहता है, अभी आपको दिखाया नहीं है इसलिए, दूसरा वाल्व बंद रखेंगे, उसके बाद ये वाल्व भी ऑन रहेगा, उसके बाद ये पानी अंदर जाएगा, ठीक है। जब पानी अंदर जाएगा, हमसे ब्लैडर सिस्टम लगाए, जब पानी उसको दबाव से करेगा तो ब्लैडर सिस्टम सुखड़ेगा और जहाँ से अपना फॉर्म बाहर आएगा, ये सेफ्टी वाल है इसका, कभी भी इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो जहाँ से जो भी अंदर इसकी एयर बनती है वो जहाँ से रिलीज हो जाती है, ये सेफ्टी वाल्व लगाए। उसके बाद जहाँ से ये भी वाल्व ऑन रहता है, जहाँ से जाते हैं, फिर उसके बाद वो वाल्व बंद रहेगा, जहाँ से जाएगा ये वह स्टेनर, कोई भी कचरा वगैरह आता है तो स्टेनर में सन्नी का काम करता है, सन्नी का। उसके बाद जिस टैंक में जाएगा, ये जैसे जी LDO टैंक ए में जाएगा, यूज कर लो, ताकि जी HFO टैंक ए का है, HFO टैंक टू का है, ये दोनों बाल बंद रहेंगे, मतलब उधर से बंद है तो इसमें पानी नहीं आएगा, बंद रहेंगे, तो इसमें जाएगा तो जो हाइड्रोलिक सिस्टम लगाए, तो ये करता है जब ये प्रेशर आता है तो जब हाइड्रोलिक सिस्टम के बाल को ऑन कर देता है, जब बाल ऑन हो जाता है तो जहाँ पे बैटरी सिस्टम लगाए, जहाँ से फोम कंपाउंड आया, जब पानी के साथ मिल जाता तो फोम कंपाउंड, सॉरी पहले फोम कंपाउंड आया, जब पानी के साथ मिक्स हो जाता है तो फोम सॉल्यूशन बन जाता है, तो जहाँ पे मिक्सर होता है, फोम मिक्स हो गए, जो टैंक में चला जाता है इस लाइन से, ये लिखा है LDO टैंक का, जिस टैंक में फोम सॉल्यूशन जा रहा है, दोनों का मिक्सचर। दोनों टैंक में
लाया जाता है दो लोगों को फॉर्म फिलिंग के लिए। ये इसका लेवल है, कितना फॉर्म है इसके अंदर, ये लेवल दिखाता है। अभी हमारे ब्लैडर में इतना है, वो ये फॉर्म ब्लैडर टाइप है, 500 लीटर के वो जो लाइन है वो डीप के साथ जो कनेक्ट है वो जहाँ से आ रही है ये वाली लाइन, अपने फॉर्म सॉल्यूशन आ रहा है, दोनों मिलके बन के आ रहा है, फॉर्म और वाटर दोनों का मिक्सचर इसमें आ रहा है, ये लाइन जा रही है। ये ऊपर लगा अपना फॉर्म पोरस सिस्टम, फॉर्म चैम्बर लगाए, इसमें हम आपको लाइव दिखाएंगे ऊपर जाके कि इसमें कौन सा सिस्टम लगाए स्प्रेयर। और ये दूसरी लाइन लगाई गई है ये वाली, ये स्प्रेयर सिस्टम, इसको कूलिंग के लिए लाइन लगाई गई है, अलग से लाइन लगाई गई है मैन्युअली, ये टैंक को ठंडा करता है MBW सिस्टम, इसमें स्प्रेयर लगाए गए हैं। ये हमारा होम चैम्बर सिस्टम, और जो नीचे नोजल लगी है वो स्प्रेयर सिस्टम है, कूलिंग के लिए लगाया जाता है, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। और लास्ट में जो आपको बताया जाएगा लाइव माध्यम से कि कैसे काम करता है, इसके अंदर से पार्ट्स क्या होते हैं, कृपया करके मेरी वीडियो को पूरा देखना और बीच में स्किप मत करना। जैसा कि आपने लाइव के माध्यम से देखा कि होम चैम्बर सिस्टम कैसा होता है, और ये तीन हमारे टैंक है, HFO टैंक ए, LDO टैंक, HFO टैंक बी, तीनों में सेम सिस्टम लगाया गया हमारा, और आगे भी आपको बताएंगे कि कैसे काम करता है। कृपया करके बने रहे मेरे वीडियो पे, पूरा देखें। तो दोस्तों, आपने फॉर्म पोरस सिस्टम लाइव माध्यम से देखा, लाइव वीडियो के माध्यम से देखा कि कैसे कहाँ पे लगाया जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे काम करता है अंदर, जब पूरा सिस्टम जानेंगे कि कैसे काम करता है। कृपया करके वीडियो पे बने रहे बिना स्किप किए, मेरी पूरी वीडियो देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसे लग रही है। तो आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि जो डीवी से जो लाइन निकल रही है वो वहाँ से जो फॉर्म सॉल्यूशन मिक्स हो रहा है, वाटर और फॉर्म निकल रहा है, तो वो वहाँ से जो डीवी की मैंने आपको लाइन दिखाई थी वो वहाँ जहाँ से जाता है, जो ये लाइन थी वो इनलेट लाइन, सॉरी जो फॉर्म डीवी की आउटलेट लाइन है जहाँ से फॉर्म बाहर आ रहा है वो जो लाइन है, और जहाँ से ये फॉर्म जा रहा है तो वहाँ भी एक ये जा रहा फॉर्म सॉल्यूशन, तो वहाँ जहाँ पे एक ऐसी करके एक ट्यूब लगी होगी उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल ट्यूब, जहाँ पे तो उसकी जाके जहाँ फॉर्म जाता है और उसके बाद फॉर्म सॉल्यूशन ऊपर जाता है, तो जहाँ पे एक छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हैं हम स्ट्रेनर, जो जाली का काम करता है, कोई भी कचरा वगैरह पत्थर वगैरह आता है, छोटा मोटा कुछ भी आता है, मिट्टी वगैरह, तो उसमें फंस जाता है, तो उसको बोलते हैं राइजर स्ट्रेनर। अब जी ऊपर जाता है फॉर्म सॉल्यूशन जब जाता है जहाँ से एयर इनलेट होती है, एयर एरिएशन होल, इसको बोलते हैं एयर एरिएशन होल, जहाँ से इसको एयर मिलती है। फॉर्म बनने के लिए क्या क्या जरूरत होती है, हमको पानी की और हमको चाहिए केमिकल और चाहिए एयर, तीनों के मिलने से ये क्या होता है, फॉर्म बनता है। अब क्या जी, हम फॉर्म और पानी तो आ रहा है पीसी से फॉर्म सॉल्यूशन, और आगे एयर मिलेगी तो ये क्या बन गया, फॉर्म कंपाउंड। जब फॉर्म कंपाउंड बनता है तो फॉर्म तैयार होके जहाँ से चैम्बर में जाता है, चैम्बर के बाद जहाँ पे एक अंदर इसके अंदर एक ग्लास लगा होता है जिसको वेपर सीर ग्लास बोलते हैं, वो प्रेशर से टूटता है। अब कई लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर वेपर सील ग्लास क्यों लगाया जाता है, तो वेपर सील का काम ये है कि कभी भी हमारा डीवी सिस्टम कभी काम ना करे या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो इसके अंदर टेम्परेचर बढ़े, जहाँ भी कुछ फायर होने के चांस हो या टेम्परेचर बढ़े, उस टाइम क्या होगा कि अगर वेपर सील ग्लास नहीं लगा रहेगा तो अंदर जो फ्यूम्स बढ़ेंगे वो लाइन के माध्यम से बाहर आएंगे और जहाँ पे वातावरण में चले जाएंगे, जहाँ पे एयर एरिएशन होल है वहाँ से बाहर आएंगे, और उनको कहीं से भी स्पार्क मिला वो बैक फ्लैश करेगा
और बंदर ब्लास्ट होगा, इसलिए बीपर सील ग्लास लगाया जाता है। उसके बाद जब ये प्रेशर से वेपर सील ग्लास टूटता तो उसके अंदर एक डिफ्लेक्टर लगा रहता है, डिफ्लेक्टर वो गला डिफ्लेक्टर फोम को किसी साथ से टकराएंगे तभी तो फोम बनेगा, तो ये क्या करता डिफ्लेक्टर से टकराता और ये बबल्स बनाने स्टार्ट करता, चादर की तरह ये बबल्स बनाता है। जो ये चादर बनती है उसको फ्लोटिंग रूफ बोलते हैं, ये चादर बनती है उसको फ्लोटिंग रूफ बोलते हैं। इस चादर को जहां से ये चादर से बनी थी, ये एलडीओ टैंक है, ये एक स्पोर्ट लगाई गई है लाइन को, स्पोर्ट लोहे की स्पोर्ट लगाते हैं ना टिकने के लिए, ये स्पोर्ट लगाई गई है। और जो ये इसके अंदर ये ऑयल है एलडीओ, और ये जो बना है इसको बोलते हैं फोम सॉल्यूशन डिस्चार्ज। ये हो गया वेपर सील ग्लास, ये फोम चैम्बर है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी, और आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइव चीज़ें दिखा सकूँ, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।